Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss calculation of oxidation number in the given molecule or ion mean in the given species. Beta, पिछले lecture में हमने discuss किया था rules discuss किए थे rules to calculate oxidation number. तो based upon those rules we can calculate oxidation number of these underlying elements in the given species. Okay? तो मैंने 25 example लिए हैं. वैसे तो देखो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है बेटा, बट अगर इनकी प्रैक्टिस भी कर लोगे आप तो वो भी कम नहीं है, मोर देन सफिशियंट है. ओके, सो बिफोर कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस अंडरलाइन एलिमेंट्स इन द गिवन स्पीशीज, आई वांट टू टेल यू टू मेन पॉइंट, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर बेटा. फर्स्ट क्या है बेटा, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर आई वॉन्ट टू टेल यू बेटा. फर्स्ट भाई कि ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव. ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, बट नॉट इन फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस में नहीं हो ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा. कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, ये हो सकता है. सेकेंड पॉइंट बेटा, आई वांट टू टेल यू कि बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो सकती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा. अगर आपने कैलकुलेट कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का मोर देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन इट विल बी रॉन्ग. ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन इन CO2 अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में कैलकुलेट करना है. जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर में कैलकुलेट करना, मैंने आपको बेटा रूल्स में बताया था कि आप उसे एक्स अज्यूम करेंगे. एक्स अज्यूम कर लिया आपने, किसी दूसरे जो भी एलिमेंट इसमें साथ हैं विच आर लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम, उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई विद इट्स एटोमिसिटी 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल. न्यूट्रल है तो जीरो हो गया. मीन क्या आ गया यहाँ पर, देखो सॉल्व करो, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, +4. मीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +4 इन दिस. नाउ सेकंड, CH2Cl2 में कार्बन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बेटा. देखिए यहाँ पर अगेन एक्स एज्यूम किया आपने. हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, +1 इफ लिंक टू द नॉन मेटल्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है. क्लोरीन -1 होता है बेटा Cl का, मल्टीप्लाई बाय 2. हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है बेटा, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल 0 है यहाँ पर. ओके, क्या आ गया, एक्स +2 -2 इज इक्वल टू 0, मीन एक्स इज इक्वल टू 0 ही आ गया ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0 इन दिस कंपाउंड, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड है जो Na3PO4 में हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बेटा फॉस्फोरस का. सोडियम अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं बेटा, +1 × 3. फॉस्फोरस का एक्स अज्यूम कर लिया हमने. ऑक्सीजन का -2 होता ऑक्सीडेशन नंबर, × 4 इज इक्वल टू 0. क्या आएगा सॉल्व करो बेटा, कि +3 हो गया और -8 हो गया. एक्स +3 - 8 इज इक्वल टू 0. तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा,
यहाँ पर माइनस फाइव उधर जाके प्लस फाइव, एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव, चेक करो क्या ये ठीक है। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 15। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है 285। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फॉस्फोरस के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है बेटा इसका, प्लस फाइव हो सकता है, तो देखो प्लस फाइव ही है, करेक्ट है बिल्कुल। मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकता ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ओके नाउ नेक्स्ट कंपाउंड वी आर गोइंग टू डिस्कस, कंपाउंड नंबर 4 देखिए बेटा, फोर्थ कंपाउंड है जो हमें दे रखा है NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट, NH4 2SO4। इसमें हमें जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है दैट इज नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन का बेटा एक्स एज्यूम कर लिया, प्लस हाइड्रोजन का प्लस वन होगा बेटा इनटू फोर होल ट्वाइस अमीन मल्टीप्लाई बाय टू, टू से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को। सल्फेट का कितना होता है बेटा, माइनस टू होता है ऑक्सीडेशन नंबर, अगर चेक करें तो यहाँ पर देखो ठीक है, सल्फेट का चार्ज कितना होता है सल्फेट के ऊपर बेटा, माइनस टू होता है इज इक्वल टू जीरो। ओके हाँ जी देखिए यहाँ पर क्या आएगा बेटा, तो टू एक्स प्लस 4 2 8 माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, क्या आ गया प्लस सिक्स बच गया, 2x प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इजक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस थ्री, ठीक है माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू, टू थ्री जा सिक्स। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज माइनस थ्री इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस थ्री है बेटा, इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सिंपल वे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए इन पॉइंट्स को। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कंपाउंड नंबर 5 5th हमें जो गिवन है यहाँ पर देखिए NO31 नेगेटिव में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर में कैलकुलेट करना है, क्या जूम करेंगे बेटा एक्स, ऑक्सीजन का क्या होता है माइनस टू इंटू थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, क्या आएगा देखिए 3 2 6 उधर जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा बेटा, प्लस सिक्स माइनस वन मीन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा प्लस फाइव, और नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है। ओके एटॉमिक नंबर 7 होता है बेटा, तो 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है बेटा इसका प्लस फाइव हो सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस 6th वन बेटा, देखिए H3P2O71 नेगेटिव, H3P2O71 नेगेटिव फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है इसमें बेटा, तो हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा प्लस वन इंटू थ्री, क्योंकि नॉन मेटल से अटैच है हाइड्रोजन लिंक है यहाँ पर, फॉस्फोरस का x मान लिया हमने बट कितने फॉस्फोरस आइटम है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू सेवन इज इक्वल टू माइनस वन चार्ज ऑन दी साइन बेटा। ओके तो क्या आ गया 2x प्लस 3 माइनस 7 2 14 इज इक्वल टू माइनस वन, क्या आ गया बेटा यहाँ पर माइनस का 11 रह गया, ये 2x माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस वन, और 2x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा प्लस 11 हो गया उधर जाके, और माइनस वन तो 10 रह गया, मीन x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा प्लस फाइव, एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15 एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इक्वल टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके नाउ 7th देखिए बेटा, 7th में कार्बोनेट CO32 नेगेटिव में कार्बन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, एक्स एज्यूम कर लिया इसको, ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू थ्री इज इक्वल टू माइनस टू चार्ज है ऑन दी साइन बेटा, कितना आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स हो गया माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा प्लस फोर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज प्लस फोर इन कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना आ गया बेटा प्लस फोर है। नाउ नेक्स्ट 8th वन देखिए, मीन ये मैं इतने एग्जाम्पल इसीलिए लिए हैं बेटा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। ओके 8th वन देखिए बेटा, CLO4 क्लोराइड आयन होता है, CLO4 1 नेगेटिव, ठीक है
इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्स एज्यूम कर लिया आपने, ऑक्सीजन पर माइनस टू इंटू फोर इज इक्वल टू माइनस वन, और एक्स क्या आ गया देखो, फोर टू जा एट, प्लस एट आ गया इधर आकर, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वन एक्स इज इक्वल टू प्लस सेवन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है बेटा 287। मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, तो प्लस 7 तक जा सकता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्लस 7 आया, करेक्ट है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाइन्थ देखिए, Cr2O7 टू नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन है, Cr2O7 टू नेगेटिव। क्रोमियम का कैलकुलेट करना ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, तो एक्स एज्यूम कर लिया, बट क्रोमियम का टू एटम है तो टू से मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू सेवन इज इक्वल टू माइनस टू, चार्ज है कितना आ गया बेटा, टू एक्स इज इक्वल टू सेवन टू जा फोर्टीन, प्लस हो जाएगा उधर जाके, प्लस फोर्टीन माइनस टू है तो टू एक्स इज इक्वल टू क्या रह गया बेटा, प्लस ट्वेल्व, और एक्स क्या आ जाएगा बेटा, प्लस सिक्स, ठीक है ना। अब देखो आप कहो क्रोमियम का प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर, सी हेयर बेटा, क्रोमियम एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। अगर आप चेक करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेटा, आर्गन 18, 4s2, 3d4, बट वन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइट फ्रॉम 4s एंड एंटर इन 3d बेटा। यहाँ पर दीज आर द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोर्थ सेल, दीज आर नॉट ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डी में गया बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट है क्रोमियम, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ध्यान रखना बेटा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दीज आर इक्वल टू बेटा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू ns प्लस n माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ns प्लस n माइनस वन डी, ये टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे दीज आर बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया जाता है यहाँ पर, इसलिए 5 प्लस 1 6 हो गया, तो प्लस 6 हम यहाँ पर क्रोमियम का जा सकता है, बिल्कुल सही है, प्लस 6 से ज़्यादा होता तो हम भी चेक करते कि यहाँ कोई प्रॉब्लम होती। ओके नाउ नेक्स्ट वन, टेंथ देखिए बेटा, MnO4 1 negative चार्ज, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना, तो क्या करेंगे, मैंगनीज का एक्स एज्यूम कर लिया, ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू फोर इज इक्वल टू माइनस वन, कितना आ गया बेटा, एक्स इज इक्वल टू उधर जाएंगे, उधर लेके जाएंगे, फोर टू जाए प्लस एट हो जाएगा, प्लस एट माइनस वन तो प्लस सेवन आ गया, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सेवन, बिल्कुल सही, क्यों, मैंगनीज एटोमिक नंबर 25 होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 प्लस 5 7 है यहाँ पर बेटा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो प्लस 7 तक जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट होगी। ओके नाउ 11th देखिए, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है नहीं, ये मैंगनीज इज डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने आपको बताया कि एन माइनस वन डी और एन एस इलेक्ट्रॉन का टोटल करेंगे, दीज आर द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर्ड है, Fe(CN6) 4 नेगेटिव, फेरोसाइनाइड आयन है ये, ठीक है ना, Fe(CN6) 4 नेगेटिव चार्ज है, आयन का कैलकुलेट करना है तो एक्स अज्यूम कर लिया बेटा हमने, इसे साइनाइड पर माइनस वन चार्ज होता है साइनाइड पर, इंटू सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर ऑन दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या बन गया बेटा, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज प्लस टू। नाउ 12th कंपाउंड देखिए बेटा, यहाँ पर 12th वन NaH2PO4 फॉस्फोरस का हमें कैलकुलेट करना है, सोडियम का क्या होगा, अल्कली मेटल है प्लस वन, हाइड्रोजन का प्लस वन, नॉन मेटल से अटैच है इसलिए इंटू टू, फॉस्फोरस का एक्स अज्यूम कर लिया, ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू फोर इज इक्वल टू जीरो, क्या आ गया बेटा, तो ये आ गया भाई प्लस वन, तो इसका आ गया ये, और इन दोनों के मल्टीप्लाई तो टू प्लस वन थ्री आ गया, एक्स प्लस थ्री माइनस फोर टू जा एट इज इक्वल टू जीरो, क्या आ गया बेटा यहाँ पर देखिए, माइनस फाइव उधर जाके प्लस फाइव हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस प्लस फाइव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव होते हैं
फॉस्फोरस के प्लस 5 तक बिल्कुल जा सकता है, करेक्ट है बेटा। ओके नाउ 13th देखो, NaHSO4 13th वन, ठीक है NaHSO4 देखिए, NaHSO4 ठीक है, किसका कैलकुलेट करना है इसमें आपको, वी हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बेटा। इसके अंदर सोडियम अल्कली मेटल प्लस 1, हाइड्रोजन लिंक टू नॉन मेटल सल्फर से लिंक है ये भी, इसका भी प्लस 1, सल्फर का एक्स अज्यूम कर लिया, माइनस ऑक्सीजन का माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा बेटा एक्स इज इक्वल टू, देखिए प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो गया, और यहाँ 4 टू 8 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा बेटा, मेन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा प्लस 6 सल्फर का, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता बेटा 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, प्लस 6 तक जा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। ओके इस टाइप से आपको चेक करना है बेटा। 14th देखिए K2MnO4 K2MnO4 तो बेटा जो मैंगनेट में पोटेशियम मैंगनेट है यहाँ पर, इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज का कैलकुलेट करना बेटा अगेन। पोटेशियम अल्कली मेटल 1 इंटू 2 प्लस मैंगनीज का एक्स अज्यूम कर लिया, ऑक्सीजन का माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2, 4 टू जा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा प्लस 6 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा प्लस 6 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप चेक करो क्या प्लस 6 पॉसिबल है, मैंगनीज का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा 7 होते हैं मैंगनीज में, टोटल एन माइनस वन डी और एन एस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें प्लस 6 गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 6 तक करेक्ट जाएगा ये, ठीक है पोटेशियम प्लस 1 इंटू 2, ठीक है मैंने इसका एक्स अज्यूम किया हमने, और ऑक्सीजन का माइनस 2 इंटू 4, 4 टू जा 6, ठीक है 4 टू जा 8 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 6 हो गया उधर जाके, ठीक है नाउ 15th कंपाउंड देखिए, 15th वन CaO2 में ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कैल्शियम का क्या लेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है प्लस 2 सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, ऑक्सीजन का एज्यूम कर लिया x बट 2 एटम्स है ऑक्सीजन के तो 2x हो गया बेटा इज इक्वल टू 0, क्या आ गया 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1, मीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस 1, कैल्शियम परोक्साइड है ये, दिस इज नॉट कैल्शियम ऑक्साइड दिस इज कैल्शियम परोक्साइड, और मैंने बताया था परोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है माइनस 1 लेते हैं बेटा हम, तो ध्यान रखना इसको आपको। 16th वन देखो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिख दिस वन बोरोन का कैलकुलेट करना बेटा, सोडियम का प्लस 1 बोरोन का x, सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस बोरोन, माइनस 1 होगा ठीक है इंटू 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर तो हाइड्रोजन का प्लस 1 नहीं ध्यान रखना, हाइड्रोजन का माइनस 1 लेना ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पर बेटा, ठीक है तो माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3 रह गया उधर जाके प्लस 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा प्लस 3 बोरोन, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 5, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 तक जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ओके नाउ 17th पर, 17th पर आ गए बेटा हम H2S2O7 17th H2S2O7 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर देखिए H2S2O7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एक्स अज्यूम करेंगे तो प्लस 1 इंटू 2 ये हो गया बेटा, सल्फर का कितना आ गया बेटा हमने एक्स अज्यूम किया बट 2 है तो 2x हो गया माइनस ऑक्सीजन का माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा यहाँ पर। ओके तो हम इसको सोल्व करेंगे, आप देखो बेटा सिंपल कैलकुलेशन हैं कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, सोल्व करिए फिर
क्या होगा इसमें देखो, प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस सेवन टू जो 14 इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आ गया यहाँ पर 2x। बेटा राइट हैंड साइड में जाएगा पॉजिटिव प्लस 14, ये माइनस का 2, तो क्या रह गया बेटा प्लस 12 रह गया, x इज इक्वल टू प्लस 6। सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, तो प्लस 6 तक जा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 18th वन देखो बेटा, कंपाउंड नंबर 18 KAlSO4 होल ट्वाइस 12H2, KAlSO4 होल ट्वाइस 12H2 ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर का हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर बेटा, देखिए क्या होगा भाई, पोटेशियम अल्कली मेटल है प्लस 1 हो गया, एल्यूमिनियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 होते हैं, इट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 जाएगा, प्लस होल इंटू 2 है तो 2 इंटू सल्फर का x एज्यूम कर लिया आपने, ऑक्सीजन का माइनस 2 होता है इंटू 4, ये ब्रैकेट क्लोज होगी इसके लिए, प्लस 12 इंटू क्या आ गया हाइड्रोजन का प्लस 1 इंटू 2 ऑक्सीजन का माइनस 2 होल इज इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा। तो ये तो प्लस 2 और माइनस 2 जीरो ही होगा, ये फैक्टर तो जीरो बन गया बेटा, दिस फैक्टर बिकम्स जीरो, ठीक है, डू नॉट गेट पजल हियर, ये फैक्टर जीरो हो गया है, ये फैक्टर तो जीरो ही हो गया बेटा, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या बन गया बेटा हमारे यहाँ पर, तो भाई प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 हो गया, प्लस 2x 4 टू जा 8 4 टू जा 8 8 टू जा 16 माइनस 16 हो गया बेटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर सॉल्व कर दो इसको, तो 2x इज इक्वल टू क्या जाएगा उधर जाएगा, ये क्या रह गया देखो 2x 4 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 12 रह गया बेटा, ठीक है 16 में से 4 जाएगा 12 बचेगा बेटा इज इक्वल टू 0, क्या आ गया यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज प्लस 6, बिल्कुल, क्योंकि वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मैक्सिमम वैल्यू प्लस 6 तक जा सकती है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड। ओके नेक्स्ट 19th बेटा, अब जो कंपाउंड स्टार्ट हो गए हैं इनको आपको ध्यान से, अभी तक हम सिंपल कन्वेंशनल मेथड से कर रहे थे, ठीक है, अब हमें केमिकल बॉन्डिंग वाले मेथड से क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है या नहीं है इनके। ओके देखो कंपाउंड नंबर 19 देखते हैं अब हम बेटा, 19th पर के आई थ्री में ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का कैलकुलेट करना, पहले सिंपल मेथड से अगर हम सोल्व करें प्लस 1 आयोडीन का x मान लिया इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा यहाँ पर माइनस 1 बाई 3, कैन नॉट बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने ऊपर रूल लिखा होगी ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, जीरो भी हो सकता है बट फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, तो हमें केमिकल बॉन्डिंग मेथड से जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मेथड से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर मेथड से जाएंगे बाय स्ट्रक्चरल मेथड से इसका देखेंगे बेटा हम, इसकी क्या स्ट्रक्चर है, पोटेशियम आयोडेट है, ये आयोडेट में आई थ्री वन नेगेटिव आयन है, जो इसमें ये होता है बेटा आई टू डे टू बॉन्ड आयोडेट बेस, इस पर पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव है, आयोडेट पर 1 नेगेटिव है, ठीक है ना, दिस 1 पॉजिटिव एंड दिस इज 1 नेगेटिव दिस 1। ओके अब देख लो भाई इन एलिमेंट्री स्टेट में तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, आई टू है तो आई टू का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होगा बेटा, इसका एक्स अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है ना, और इसका कितना होगा बेटा प्लस वन होता पोटेशियम पर, ठीक है, दिस आयनिक कंपाउंड मैंने ये पॉजिटिव ये तो माइनस वन है, या तो आप न्यूट्रल कंपाउंड लेके इसको इक्वल टू 0 कर देना, या फिर आप सिर्फ इस आयनिक पार्ट को लेकर बेटा 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कर देना, बात वही है, अब मैं इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मैंने ये ले लिया है दिस वन, डू नॉट गेट पजल दिस वन, अब ये देखो इसमें। ओके तो प्लस वन लिया पोटेशियम का अल्कली मेटल, इसका 0 लिया हमने एलिमेंट्री स्टेट में, आयरन का एक्स अज्यूम कर लिया हमने इसका बेटा, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 ये हो गया। अब सोल्व करो इसको भाई, क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस वन आ गया, एक्स इज इक्वल टू
माइनस वन, तो इसका तो माइनस वन और इसका जीरो, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन के क्या क्या हो गए बेटा यहाँ पर, इन दोनों का जीरो हो गया और इसका माइनस वन हो गया, जीरो जीरो माइनस वन, ठीक है ना। जीरो जीरो किसका, ये जो दोनों आयोडीन आई टू मॉलिक्यूल के अंदर दो आयोडीन आइटम है, दो बार जीरो लिख सकते हैं, एक बार जीरो लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, किन दोनों का जीरो है, इसका माइनस वन आ गया। ओके नाउ 20th देखिए बेटा, H2S4O6 20th H2S4O6 देखिए ध्यान से, 20th है जो कंपाउंड यहां पर H2S4O6 सल्फर का कैलकुलेट करना है। वैसे नॉर्मल मेथड से अगर हम चेक करके देखें पहले प्लस वन कन्वेंशनल मेथड से इंटू टू प्लस सल्फर का एक्स अज्यूम किया फोर है तो फोर एक्स माइनस टू इंटू सिक्स इज इक्वल टू जीरो, देखना कितना आएगा यहाँ पर प्लस टू और ये माइनस ट्वेल्व, फोर एक्स प्लस टू माइनस ट्वेल्व कितना रह गया, माइनस का टेन रह गया बेटा इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया टेन बाई फोर तो कितना 2.5 प्लस 2.5 आ गया। फ्रैक्शन में है अगेन कि सभी सल्फर एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, अगेन फ्रैक्शंस में है तो हमें क्या जाना पड़ेगा, बाय केमिकल बॉन्डिंग, बाय केमिकल बॉन्डिंग मेथड्स, केमिकल बॉन्डिंग मेथड से हमें चेक करना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर फोर सल्फर एटम्स हैं, वन टू थ्री फोर, फोर सल्फर एटम्स, टू हाइड्रोजन एंड थ्री ऑक्सीजन, सिक्स ऑक्सीजन है, सिक्स ऑक्सीजन है, सराउंडिंग वाले एटम को हम यहाँ पर बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक ऑक्सीजन को, एक सल्फर को थ्री ऑक्सीजन आएंगे। अब पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर OH ग्रुप बनाओ, टू OH ग्रुप बन गए, एक OH ग्रुप इसको दे दिया हमने, एक OH ग्रुप इसको दे दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब बेटा फोर ऑक्सीजन बच गए, फोर ऑक्सीजन में से टू इस सल्फर एटम को दे देते हैं और टू इस सल्फर एटम को, दिस इज स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग मेथड से है। यहाँ पर जो नॉर्मल एलिमेंट्री स्टेट में आ गए हैं, यहाँ पर एलिमेंट्री स्टेट में दोनों सल्फर एटम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जीरो होगा एलिमेंट्री स्टेट में, या एलोट्रोपिक फॉर्म में जीरो होता है, रूल बता रखा है। बाकियों का बेटा एज्यूम कर लो, इसका एक्स एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है, इसका भी एक्स एज्यूम कर लिया हमने, बाकी चेक करिए बेटा एक्स प्लस एक्स कितना हो गया टू एक्स, OH का कितना होता है माइनस वन क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस टू और हाइड्रोजन पर प्लस वन, तो ओवरऑल कितना होगा बेटा इसका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होता है, इसका भी क्या आएगा माइनस वन आएगा, ऑक्सीजन पर क्या होता है माइनस टू, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू, इसका भी माइनस टू, इसका भी माइनस टू, ठीक है ना, सबके पता चल गए आपको, वैल्यूज पुट कर दो भाई, टू एक्स माइनस वन माइनस वन, अब माइनस टू माइनस टू माइनस फोर इसका, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर इसका इज इक्वल टू जीरो, क्या आ गया चेक करिए बेटा यहाँ पर माइनस वन माइनस टू कितना होगा, फोर इन फोर एट एंड टू टेन, टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहाँ पर चेक करो, एक्स भाई टेन बाई टू फाइव आ गया प्लस फाइव, ऑक्सीडेशन नंबर इज प्लस फाइव, किसके लिए सल्फर के लिए, तो इन दोनों x x जो अज्यूम किए हैं फाइव आ गया है और ये जीरो जीरो हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गए सल्फर एटम्स के, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या क्या आ गया बेटा, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर जीरो एंड प्लस फाइव, दो ऑक्सीडेशन नंबर आए हैं यहाँ पर सल्फर के, जीरो तो जो सेंटर में है जो एटम्स दो सल्फर एटम उनके आ गए और प्लस फाइव जो एक जो बेटा लेफ्ट टू राइट एक्सट्रीम पर सल्फर एटम प्रेजेंट है उनके आ गए हैं बेटा प्लस फाइव, ठीक है ना। नाउ कंपाउंड नंबर 21st Fe3O4 इसमें देखो बेटा Fe3O4 में 21st Fe3O4 में आयरन का हमें कैलकुलेट करना है। वैसे अगर चेक करें सिंपल कन्वेंशनल मेथड से तो 3x हो गया माइनस 2 इंटू 4 हो गया इजकल टू जीरो और कितना आ गया बेटा यहाँ पर ये दिस इज
4 to 8 x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा प्लस 8/3 ये आ गया प्लस 8/3 ठीक है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रैक्शन में आ गया बेटा अगे नॉट पॉसिबल पॉसिबल नहीं है यहाँ पर ये। तो फिर क्या करना पड़ेगा बाय स्टोचोमेट्री ठीक है ना। क्योंकि स्टोचोमेट्री से क्यों बोल रहा हूँ मैं बेटा यहाँ पर दिस Fe3O4 है जो मैग्नेटाइट है ये कंपाउंड बेटा मैग्नेटाइट बोलते हैं। दिस इज मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड दोनों का इसलिए मैं बाय स्टोचियोमेट्री बता रहा हूँ आपको स्टोचियोमेट्री से ठीक है। बाय स्टोचियोमेट्री मीन किस रेशो में क्या प्रेजेंट है यहाँ पर ये देखिए किस रेशो में क्या प्रेजेंट है बाय स्टोचियोमेट्री हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर तब हमें पता चलेगा मीन प्रैक्टिस से पता चलेगा भाई आप लोगों को कि क्या स्ट्रक्चर है किस किस का मिक्सर है क्या पॉसिबिलिटीज हैं ठीक है। मैक्सिमम जो पॉसिबल कंपाउंड थे मैंने दे दिए हैं आप लोगों को ओके। तो दिस इज मिक्सचर ऑफ टू FeO फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ठीक है। इन दो का कंबाइन करके देखो Fe2 एंड वन Fe3 हो गया O4 हो गया ठीक है ना। अब फेरस ऑक्साइड में आपको पता है बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसका कैलकुलेट करेंगे अलग से हम इसमें आयरन का अलग से कैलकुलेट दो कंपाउंड हो गए। इसमें देखो ऑक्सीजन का -2 होगा तो आयरन का कितना होगा +2 सीधा सा आ गया यहाँ पर तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पर +2 आ गया इस आयरन का। तो यहाँ पर इसमें देखो अब एक्स अज्यूम कर लिया इसको 2x हो गया -2 × 3 = 0 कितना आ गया बेटा यहाँ पर चेक करिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन 3 × 6 2x = +6 x = +3 ठीक है। तो दो ऑक्सीडेशन नंबर आ गए देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe आयरन के क्या क्या आ गए बेटा +2 and +3 टू टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर आ गए बेटा इस कंपाउंड के अंदर Fe3O4 में बिकॉज बाय स्टोचियोमेट्री इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन है बेटा ये ओके। तो इस टाइप से आपको पता चल सकता है यहाँ पर। नाउ कंपाउंड नंबर 22nd ये देखो बेटा CH3CH2OH 22nd वाला देखिए आप इस लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो बहुत ही ईजिली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे बड़ा ही अच्छा लेक्चर है आप ध्यान से देखना बेटा। कंपाउंड नंबर 22nd CH3CH2OH मन लगा के देखना बेटा गारंटी से बोलता हूँ श्योरिटी से बोलता हूँ मैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दो कार्बन एटम है सपोज दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2 दो कार्बन हमने ज़ूम कर लिए यहाँ पर बेटा ठीक है। फर्स्ट वाला जो कार्बन है दिस इज लिंक टू 3 हाइड्रोजन एटम्स और सेकेंड वाला कार्बन है दिस इज लिंक टू दिस फर्स्ट वाला कार्बन है दिस इज लिंक टू एक CH3 ग्रुप से लिंक है बेटा। इसको मैं ओपन करता हूँ देखना ओपन करने के बाद आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये कार्बन दिस इज लिंक टू 3 हाइड्रोजन एटम्स देन दिस कार्बन दिस इज लिंक टू 2 हाइड्रोजन एटम्स एज वेल एज 1 OH ग्रुप ये होगा बेटा। ओपन करके देखे तो हमने अज्यूम कर लिया कि दिस इज कार्बन नंबर 1 रेड मार्कर से लिख देता हूँ मैं इसको क्लियर दिखाई दे आपको दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। तो आप पहले C2 का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C2 सेकेंड कार्बन है जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा हम। तो C2 है तो कार्बन का हमने X अज्यूम कर लिया यहाँ पर X हाइड्रोजन का +1 + 1 × 3 हो गया 3 हाइड्रोजन है ओके +1 × 3 हाइड्रोजन C2 का हमने X अज्यूम कर लिया बेटा। दिस कार्बन इज लिंक टू CH2OH ग्रुप दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ध्यान रखना है यहाँ पर ऐसे कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अगर कार्बन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ तो पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेंगे और अगर कार्बन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ लेंगे तो पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे ध्यान रखना बिल्कुल इजी ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या अगर कार्बन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ये पूरा देखो कैसे पता चला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके अंदर ये कार्बन है जो ऑक्सीजन से लिंक है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन ये वाला ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा इन कंपेरिजन टू दिस कार्बन एटम ठीक है ना। तो इसलिए इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर जो लेंगे -1। इसी तरह अगर इस कार्बन का कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो यहाँ पर ये कार्बन है जो ठीक है ना इसके कंपेरिजन में ये देखो यहाँ पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है ठीक है ना ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है यहाँ पर ठीक है ना। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों हो गया क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम से लिंक है बट ये ऑक्सीजन से लिंक है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ठीक है ना।
तो ऐसे केस में सी एस थ्री ग्रुप का टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर हम प्लस वन ले लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आप पहले तो एक्स एज्यूम कर लिया, प्लस पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर सी एस टू ओ एच का माइनस वन लिया है इज इक्वल टू जीरो। क्या आएगा देखो यहाँ पर प्लस थ्री माइनस वन प्लस टू हो गया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस टू। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस जो सी टू का है माइनस टू आ गया। इसी तरह अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी वन फर्स्ट कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। इसके लिए पूरे सी एस थ्री ग्रुप का दिस कार्बन कार्बन नंबर वन इज लिंक टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप सी एस थ्री, तो प्लस वन लेंगे इसका पूरे का। प्लस ये कार्बन है जो टू हाइड्रोजन से लिंक है तो प्लस वन इंटू टू, इसका एक्स एज्यूम कर लिया है हमने। एंड देन ओ एच का माइनस वन आ गया बेटा ओ एच ग्रुप पर, क्योंकि माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो गया इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर बेटा प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री हो गया, या फिर यहाँ कर लो ये प्लस वन से ये माइनस वन कैंसिल हो गया बेटा यहाँ पर। ओके, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया बेटा यहाँ पर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर प्लस टू है। ओके, यहाँ पर प्लस टू है बेटा, तो क्या लेंगे हम, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा यहाँ पर माइनस टू आ गया यहाँ से, माइनस टू आ गया यहाँ से। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज माइनस टू इन बोथ ऑफ दीज केसेस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नेक्स्ट दैट इज कंपाउंड नंबर 23 का। देखिए ध्यान से, CH3COOH इस कार्बन दोनों का कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ बेटा दिस CH3H, दिस इज C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। ठीक है, दिस वन देखिए ध्यान से बेटा, दिस इज कार्बन नंबर वन, दिस इज कार्बन नंबर टू, इन दोनों का हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी टू कैलकुलेट करता हूँ, सेकंड कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। फिर से वही पॉइंट, ये कार्बन है जो सी टू थ्री हाइड्रोजन एटम से लिंक, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो प्लस वन इंटू थ्री हो गया थ्री हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, और प्लस एक्स अज्यूम कर लिया सी टू के लिए, ये जो कार्बन है दिस इज लिंक टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इसके लिए माइनस वन अज्यूम किया इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा एक्स प्लस थ्री माइनस वन, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू आ गया बेटा। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी वन फर्स्ट कार्बन एटम चेक करेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी वन फर्स्ट कार्बन एटम क्या आएगा देखो बेटा, ये जो कार्बन है दिस इज लिंक टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप सी एस थ्री से, तो इसका प्लस वन ले लिया पूरे का, प्लस एक्स सी वन का एज्यूम कर लिया आपने, ऑक्सीजन पर माइनस टू होता है ओ एच का माइनस वन होता है इज इक्वल टू जीरो। तो देखो क्या आ गया यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा प्लस टू आ गया यहाँ पर। ठीक है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम चेक करें तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया जीरो, क्योंकि प्लस टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अदरवाइज दोनों कार्बन एटम का अलग अलग कैलकुलेट करना, तो इसका सी टू का कितना आ गया प्लस टू क्या ना माइनस टू, और सी वन का कितना आ गया बेटा प्लस टू। ओके, ध्यान रखना यहाँ पर ना। कंपाउंड नंबर 24 कंपाउंड को देखो बेटा, तो भी स्ट्रक्चरल मेथड से आपको चेक करना चाहिए यहाँ पर, ऐसे कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, सिंपल कंपाउंड नंबर 24 H2S2O5 सल्फर का हमें कैलकुलेट करना है। पहले सिंपल मेथड से हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस वन इंटू टू प्लस सल्फर का कितना हो गया x है बट टू है तो 2x हो गया, माइनस ऑक्सीजन का माइनस टू हो गया इंटू फाइव इजिकल टू जीरो, एक्स देखो कितना आ जाएगा, फाइव टू जै टेन, टेन में से दो आप बेटा ये माइनस का टेन है ये प्लस का टू, तो माइनस एट रह गया उधर जाके प्लस एट, और प्लस एट हो गया तो कितना आ गया बेटा देखो यहाँ पर प्लस एट हो गया, तो मैंने कहा प्लस वन इंटू टू, ठीक है प्लस टू एक्स हो गया बेटा,
और बेटा H2SO5 था ये, ठीक है। चलो इसका भी ले लेते हैं, H2SO5 था ये, ठीक है। H2SO5, this is not H2SO4, this is H2SO5. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा, H2SO5 परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा, this is H2SO5, ये लेना था मुझे यहाँ पर, ओके। तो X अब देखो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, क्लियर, प्लस 2 और माइनस 10 कितना आ गया बेटा, माइनस 8, X is equal to प्लस 8 होता, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बेटा, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका, मतलब हमें स्ट्रक्चर मेथड से जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो सल्फर तो बाय केमिकल बॉन्डिंग मेथड, ठीक है। प्लस 8 क्यों नहीं है, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, क्या नाम, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 16 होता है, 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है सल्फर के लिए, प्लस 6 जा सकती है, प्लस 8 नॉट पॉसिबल, ओके, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तब देखो सल्फर बेटा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर होते हैं, कंपाउंड ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दीज आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। इनमें बेटा जितने पहले तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनके ओ एच ग्रुप बनाओ, ठीक है। कितने ओ एच ग्रुप बने, 2 ओ एच ग्रुप बन गए, तो 2 ओ एच ग्रुप हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 1 ओ एच ग्रुप, 2nd ओ एच ग्रुप, लिंक हो गए। बाकी देखो कितने बच गए, ऑक्सीजन कितने बच गए आपके पास, बच गए बेटा ऑक्सीजन हमारे पास 2 निकलने के बाद यहाँ से 3 रह गए, 3 ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 ऑक्सीजन हमने लिंक कर दिया सल्फर से। अब सल्फर के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो मैक्सिमम 6 बोन ही बना सकता है। एक और बात यहाँ पर, एक और पॉइंट बेटा, कोई भी सेंट्रल एटम में मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन कितने बना सकता है, इक्वल टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बोन बना सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। अब बट एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, अभी 1, 2, 3, 4, 4 ऑक्सीजन होगा, बट एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, और सल्फर के साथ लिंक नहीं हो सकता, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो चुकी है, इसके साथ भी लिंक नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम किसी भी OH ग्रुप में लेकर जाएं उसको, परऑक्साइड लिंकेज हो जाएगी, दिस इज परऑक्साइड लिंकेज, ओके। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, दिस इज परऑक्साइड बॉन्ड और परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं बेटा। इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है, दैट इज -1 परऑक्साइड, हाइड्रोजन का +1 आ गया यहाँ पर, ऑक्सीजन का -2 है, इस ऑक्सीजन का -2 है, OH ग्रुप का कितना आ गया बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, OH ग्रुप का -1 होता है, इसलिए इसका एक्स अज्यूम कर लिया आपने, तो देखो क्या आएगा बेटा, सॉल्व कर दो, अपने आप ही निकल आएगा एक्स +1 -2, यहाँ पर -2 -2 -4 आ गया, एक इसे कैंसिल हो गया, -1 = 0 ये आ गया बेटा, ओके। तो कितना बच गया देखो यहाँ पर, +1 से -1 फिर से कैंसिल हो गया, ओके, 4 × 6 आ गया, तो x = +6 सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑक्सीडेशन में +6 ही जा सकती है, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे इसको बेटा। नाउ लास्ट कंपाउंड इज CrO5, देखिए बेटा CrO5 कंपाउंड नंबर 25 है, CrO5 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन में कैलकुलेट करना है, एक्स अज्यूम कर लिया हमने, एक्स ऑक्सीजन का -2 × 5 = 0 कितना आ गया, x = +10, तो क्या ये पॉसिबल है। क्रोमियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, मीन एन, ये डी ब्लू का एलिमेंट है, n-ND + NS इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, टोटल 24 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्या नाम इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है बेटा, 24 में 2 + 4 = 6 होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके 6 हैं, n-ND और NS इलेक्ट्रॉन, बट ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +10, विच मीन दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, मोर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया है। इसका मतलब हमें स्ट्रक्चरल मेथड पर जाना पड़ेगा, अगेन बाय केमिकल बॉन्डिंग मेथड, ठीक है, बाय केमिकल बॉन्डिंग मेथड्स, देखो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग बेटा। फिर केमिकल बॉन्डिंग से क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम हो गया, 4 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है, ओके, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लिंक होगा,
क्रोमियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेन आयन मेंशनड और एनएस मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 से ज्यादा नहीं। एक ऑक्सीजन में लगा दे 4 ऑक्सीजन है, अगर सभी के डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 4 टू 8 एंड टू 10 बॉन्ड होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है यहां पर, क्या कि भाई परऑक्साइड लिंकेज में हो ये एटम्स, ये डिफरेंट जो 4 एटम्स हैं दिस लिंक टू दिस क्रोमियम बाय परऑक्साइड लिंकेज, दिस इनमें परऑक्साइड लिंकेज होगी, ये क्रोमियम से लिंक हो गया, ये क्रोमियम से लिंक हो गया, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बन गई, ये बटरफ्लाई हो गई, ठीक है ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बन गई। तो CrO5 की स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ध्यान रखना इसको बेटा। अब इसका एक्स अज्यूम करो, देखो इसका एक्स मान लिया, परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1 -1 -1 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में परऑक्साइड लिंकेज होती है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका -2 डबल बॉन्डेड का आप देखो सॉल्व करो बेटा, एक्स -1 -1 -2, ये भी -2 आ गया, ये भी -2 आ गया, इक्वल टू 0, और कितना आ गया बेटा सोल दिस, एक्स इजिकल टू क्या आ गया 246 प्लस 6 आ गया जाकर इधर राइट हैंड साइड में। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 2 + 6 = 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ऑक्सीडेशन नंबर है, इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो इस लेक्चर को ध्यान से देखना बेटा, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक्स।